बंजारी दाल बना रहे हैं हम। इसके लिए हमें चाहिए चना दाल और उड़द दाल और उड़द अक्खी वाली चाहिए। तो 1 कप मैंने चना दाल लिया हुआ है, उसका 1/3 मैंने ये मिक्सचर लिया हुआ है उड़द अक्खा और उसकी दाल का। इसे हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है कुकर में और मैश हो जाए इतना कुक करना है। मसाले देख लेते हैं, बंजारी दाल है तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स है वो ज़्यादातर ड्राई होते हैं उन लोगों के पास में, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या लिया हुआ है। हालांकि मैंने गार्लिक जो है वो भी ड्राई था और जिंजर जो है ना वो भी सॉल्ट के रूप में था और ऑनियन भी ड्राई किए हुए थे, क्योंकि इन लोगों के पास में एक पोटली थी मैंने देखा था और वो यही सब मसाले थे। तो मैंने आपके लिए एक नई दाल बनाने की कोशिश की है। इसे हमें इसी तरह से ये हमाम दस्ते में इसे कूट कूट के इसका मसाला हमें बनाना है। भले अधकचरा बने लेकिन हमें वो ही मसाला हमें करना है। आप ग्राइंडर में बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बंजारी दाल नहीं बनेगी। और एक नया सा दाल बनाने आपके आपको सिखाने जा रही हूँ, तो ज़रूर लास्ट तक देखिए और इसको फॉलो करिए, बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए, खुश रहिए। देखिए बातों बातों में हमारा मसाला जो है वो भी अच्छे से कुक हो गया है। उसमें ये ब्लैक पेपर मैंने नहीं डाला था तो पाउडर है मेरे पास में, वो मैं डाल रही हूँ। तैयारी करेंगे तड़का लगाने की। बंजारी दाल है तो इन लोगों ने तो राई का तेल लिया हुआ था, मैं सादा हमारा तेल ले रही हूँ और इसमें खड़े मसाले डालूंगी, सिनेमन और तेज़पत्ता। इसी तरह का ये जो ऑनियन है हमें काट के डालना है और फिर इसे पिंक सा पकाना है, इसका जो पानी है वो पूरा सा निकल जाए। थोड़ा मैं इसमें से ये गार्निश के लिए ले रही हूँ और इसमें हम जो मसाले हमने कूटे हैं ना उसे डाल देना है और इसे भी अच्छे से पकाना है। ये तो ड्राई थे मसाले पूरे, तो इतना उन्होंने नहीं पकाया था, लेकिन हमने गार्लिक और जिंजर ऑनियन जो है वो फ्रेश लिए थे इसलिए हम पका रहे हैं। और फिर ये दाल आप देख सकते हैं मैंने किस तरह की बॉईल की है, इसे इसमें डाल दीजिए। और हमारा जो पानी है ना उसका जो पानी हुआ है ना वो भी आप इसमें डालिए। फिर हमें इसमें रेड चिल्ली डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी और हमारा हरा धनिया जो है वो ऊपर से हम डालेंगे, क्योंकि इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता है ना। और सॉल्ट डालना ना भूलें, अगर आपने बॉईल किया है तभी डाला है तो देख के डालिए और इसे थोड़ा सा मैश करते जाइए। तो ये मसाले हैं ना वो पूरा इसमें अच्छे से पकेंगे। ये करीबन इसको 5 से 7 मिनट बहुत ही अच्छे से पकाइए और ये मसाले को ना उसमें एक एक कण में है ना उसमें जाने दीजिए और देखिए खाने को दिल कर रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। लेकिन अगर आप बनाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने भी बनाई है और आपके भी घर में खुशबू फैल गई थी और आपको मेरी याद ज़रूर आएगी और याद भी करिए। सर्व कर लेती हूँ बंजारी दाल को आपके लिए। दुआओं में याद रखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी बताइए कि ये चैनल जो है बहुत ही बढ़िया खाना बनाने का सिखाते हैं, तो आप भी सीखिए तो ज़रूर शेयर करिए। और बेल आइकन जो है ना ऑल बटन ज़रूर दबाइए, इससे आपको नई नई रेसिपीज़ जो मैं बनाती हूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। और आपके जैसे ही आप ये ऑल बटन का बटन दबाओगे ना तो क्या होगा, बेल दबाओगे तो क्या होगा, एक आपके मोबाइल में आवाज़ आएगी और आपको मालूम पड़ेगा कि जी हाँ ये नई कोई रेसिपी आई हुई है। चलिए देख लेते हैं, टाइम मिले तो ज़रूर देखिए और दुआओं में याद रखिए। बार बार बोल रही हूँ, थैंक यू।